चरित्रवान नारी अपने पति का कैसे उद्धार कर देती है, महात्मा पाराशर एक श्लोक में बोल रहे हैं। वो कहते हैं ब्याल ग्राई यथा व्यालम बला दुत्तरते बिलाद एवं स्त्री पति बुद्धि तने वैव समोदते। वर्णन किया है कि एक चरित्रवान नारी कैसे अपने पति का उद्धार करती है। लेकिन सर्प पकड़ने वाला सपेरा जैसे बिल में से अपने कौशल अपनी योग्यता के द्वारा सर्प को बाहर निकाल लेता है बीन बजाकर। ये इसमें उदाहरण दिया जा रहा है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जैसे सपेरा बीन बजाता हुआ बिल के अंदर सांप घुस गया है, ये कौशल ये विद्या उसके पास में है कि वह उस बिल में से सांप को निकाल लेता है। वैसे ही पति मरने के बाद भी स्त्री सतीव्रत के पालन करके ब्रह्मचारिणी होकर यदि उसका दुराग्रही पति है, अपराधी पति है, ऐसे पति को भी वो नरक के मुंह में से ऐसे बचा लेती है, बाहर निकाल लेती है जैसे बिल में से सपेरा सांप को बाहर निकाल लेता है। वो नरक में अपने पति को नहीं जाने देती। तो एक चंचला वाली कथा ऐसी तो आती है उसमें सिम्हापुरा। पत्नी का धार्मिक पारमार्थिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्णन किया गया है कि ऐसी नारी धरती पर जो शुभ कर्म करती रहती है उसका फल उसके पति को मिलता है, ऐसा वर्णन किया गया। व्याल ग्राही यथा व्यालम बलादह ग्रहमा विशंकिता तदवद भर्तार मादाय दिवम याति सच बलात्। ये धरती पर बहुत पुरुषों को उद्धार हो गया है नारी की वजह से। लक्ष्मण के लिए मेघनाद को मारना बड़ा मुश्किल था। मेघनाद के उद्धार के लिए, मेघनाद के आत्मकल्याण के लिए और उर्मिला का जो पातिव्रत धर्म है वो बड़ा वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को।